अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए इमाम साहब। कहिए इमाम साहब, और क्या चल रहा है? जरा बच्चे को लेके बहुत परेशान हूँ। वो सब ठीक है इमाम साहब, लेकिन आप 2 हफ्ते से मस्जिद में दिखाई नहीं दे रहे। सिराज भाई, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने 50,000 रुपए जमा करने के लिए कहा है। इमाम साहब, ये हमारी तरफ से 5,000 रुपए। क्या सदर साहब, ठीक रहेगा? ठीक है, बहुत बेहतर है। 5,000 से मेरा क्या होगा? ठीक है शाहिद भाई, एक काम करते हैं, इमाम साहब को 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे देते हैं। सदर साहब, आप मुझे अभी 16,000 रुपए 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे रहे हो, तो आने वाले 2 महीनों में मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरे घर का गुजारा कैसा होगा, ये तो बताइए। इमाम साहब, हम मस्जिद के सिर्फ जिम्मेदार हैं, मस्जिद के और भी अखराजात होते हैं। इमाम की जिम्मेदारी सिर्फ मस्जिद के मुतल्लिक की नहीं बल्कि पूरे कौम की होती है। या अल्लाह, इन सबको हिदायत दे दे या अल्लाह। ऐ कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, हमारे पास मुशायरे करवाने के लिए पैसे हैं, हमारे पास कव्वालों पर लुटाने के लिए पैसे हैं, हमारे पास मस्जिद में एयर कंडीशन और मार्बल लगवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन उसी मस्जिद में अपने फराइज अंजाम देने वाले इमामों की बदहाली हमें नजर नहीं आती। उनकी परेशानी में उन्हें बेसरो सामान अकेला ही छोड़ देते हैं। काश इन इमामों को भी इनकी हसबी जरूरत तनख्वाही मिल गई होती तो आज इन्हें ये दिन न देखने पड़ते। और हमें आपको